पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक दिन पहले वैश्य जागरूक मंच के प्रदेश महामंत्री को भाजपा विधायक के द्वारा गाली गलौज करने का मामला सामने आया था। वैश्य जागरूक मंच के प्रदेश महामंत्री ने खुद अपने एक इंटरव्यू में भाजपा विधायक का नाम लेकर आरोप लगाए थे, लेकिन मात्र 10 घंटे बाद ही इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आ गया। सुबह सोशल मीडिया पर वैश्य जागरूक मंच के प्रदेश महामंत्री का एक वीडियो आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट लिखी गई थी वो नेताओं के लिए नहीं थी, जो पोस्ट लिखी गई थी वो भी नेताओं के लिए नहीं थी, और जो कॉल पर आवाज थी वो भी भाजपा विधायक की नहीं है बल्कि किसी और की है। चंद घंटों में ही अपनी जुबान से पलट जाना भले ही सभी को अचंभित कर रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो शख्स चंद घंटों पहले भाजपा विधायक का नाम लेकर आरोप लगा रहा था वो तुरंत पलट क्यों गया? क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई ड्रामा था? सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। अब आप खुद सुनिए और समझिए कि हकीकत क्या हो सकती है। अपने हिसाब में साहब मैं विधायक हूँ, तेरा वो घर से उड़वा लूंगा, घर पे मरवा दूंगा और गोलियां पड़वा दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोला है, जूते से मारूंगा घर में, उसके जूते से मारेंगे, हम ये बताएंगे, पता नहीं क्या बताएंगे। मैं तो जो पार्टी कहेगी मैं तो वो मानूंगा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू पोस्ट डिलीट कर दे, तू मिलके बात कर ले, क्यों नाराज है, कोई समस्या है, कार्यकर्ता है मेरा। ये शायद चाटुकारों के साथ रहकर थोड़ा सा विधायक जी कार्यकर्ता का अवहेलना कर रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता जो इनका पोलिंग एजेंट बनता हो, इनकी पर्ची बांटता हो, प्रांत का दायित्व होने के बाद संगठन का, हम तो जमीन स्तर पर काम करते हैं, जहाँ कम होगा कार्यकर्ता वहाँ हम लग जाते हैं इनके लिए। बस भाई साहब मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि पता नहीं विधायक जी नाराज हैं, नाराजगी में हो सकता है कोई गलत कदम उठा दें, मरवा दें, कुछ भी कर लें। मुझे तो पार्टी का काम करना है, जब तक जिंदा रहूँगा पार्टी के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करते रहूँगा। बस मेरा निवेदन यही है कि चाटुकारों से बाहर आएँ और जनता के लिए कुछ करें, क्योंकि चुनाव में 6 महीने का समय है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो हमने यही फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि विधायक जी फ़ोन कई बार उठा नहीं पाते मेरा, मैं पिछले 2 साल से उन्हें 17-18 बार फ़ोन कर चुका हूँ, वो किसी भी मौके पर फ़ोन नहीं उठाते, कॉल बैक भी नहीं करते। समाज का काम कर रहा हूँ, वैश्य जागरूक मंच का प्रदेश का महामंत्री हूँ, मुरादाबाद का सबसे बड़ा वैश्य समाज का संगठन में हम ही सहयोग कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आजीवन मैंने उन्हीं का चुनाव लड़ाया है, जब से हो संभाला है बीजेपी का ही चुनाव लड़ा रहा हूँ, बीजेपी की ही पर्ची बांट रहा हूँ, बीजेपी का ही पोलिंग एजेंट बन रहा हूँ हर चुनाव में। अपने क्योंकि विधायक जी फोन नहीं उठाते तो हमने फेसबुक के माध्यम से थोड़ा सा लिख दिया कि साहब आप 4 साल में आपने थोड़ी सी कमाइयाँ कर ली, अच्छी बात है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के इलाज की व्यवस्था करा दो। लेकिन अब उसके बदले में पता लगा उसी दिन मेरे पास इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स के यहाँ से फ़ोन आ गया कि साहब थाने आ जाओ। मैंने कहा साहब लॉकडाउन लग रहा है, 8:30 बज रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप आ जाइए, आप पुलिस स्वतंत्र आने के लिए, मैंने कहा यहीं पर बैठ के चाय नाश्ता करके बात करेंगे। मैंने क्योंकि मामला बोले मामला कुछ नहीं, थाने आओ। मैंने कहा मैं क्या पोस्ट लिखी थी आपने, किसके नाम पर लिखी थी? मैंने सभी जनप्रतिनिधियों का नाम लिखा था, मैंने किसी एक आदमी का नाम नहीं लिखा कि किसी एक आदमी को, मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने चुनाव लड़ाया आम कार्यकर्ता के रूप में, वही तो कार्यकर्ता के परिवार वालों को बचाएंगे। कार्यकर्ता के परिवार वाले गोदी में दम तोड़ दे रहे हैं और उनको अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। तो बस यही मेरी डिमांड थी कि क्वारंटीन सेंटर बढ़ाए जाएँ। तो मैंने आज यही लिखा था कि काश मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह मुरादाबाद आ जाएँ, तो इस बहाने दिखावे के लिए सही लेकिन जनता का भला हो जाएगा, जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे। यही बात शायद विधायक जी को बुरी लग गई, मैं तो विधायक जी का बड़े भाई की तरह मानता हूँ और हमेशा वो भी छोटे ही मानते हैं मेरे को। क्या बोला उन्होंने? पता नहीं कि वो घर में आके मारूंगा, जूतों से मारूंगा, पता नहीं, हो सकता है बड़े भाई हैं मार सकते हैं, लेकिन मैं तो भैया आगे हमेशा पार्टी के लिए रहूँगा, आगे भी पार्टी के लिए रहूँगा, मानना चाहें हो सकता है मार दें, जान से मार दें, झूठे मुकदमे में फंसा दें, SC ST एक्ट लगवा दें। जय श्री राम भाइयों, मैं अंकित अग्रवाल एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री, वैश्य जागरूक मंच, मुरादाबाद से। वर्तमान कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं, जिस कारण मन बहुत व्यथित रहता है सभी का, आपका, हमारा, सभी जनप्रतिनिधियों का। इन्हीं बातों को से थोड़ा सा व्यथित होकर, क्योंकि कॉल लगातार बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आ रही थी और हम चाह के भी मदद उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, मेरे द्वारा फेसबुक पर तथा व्हाट्सएप पर कुछ पोस्ट की गई जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के लिए, जिसमें मेरी कोई मंशा नहीं थी किसी को निजी आघात पहुंचाने की। एक जनरल पोस्ट थी जो मन की व्यथा थी, वो फेसबुक के माध्यम से बाहर आ गई, लेकिन जाने अनजाने वह बात कुछ हमारे प्रिय भाइयों को ही के ऊपर
साबित हो गई, अर्थात उनसे लिंक हो गई, जबकि मेरा कोई भी आशय अपने मुरादाबाद के माननीय नगर विधायक जी अथवा मेयर जी तथा मंत्री जी को सीधे सीधे कहने का कुछ नहीं था। मेरी मंशा सिर्फ कार्यकर्ताओं के सम्मान को बचाने के लिए या परिवारों को बचाने के लिए थी। उस सब बातों के लिए मुझे खेद है। मेरा उद्देश्य संगठन के खिलाफ कभी नहीं रहा, मैं हमेशा संगठन हित में और पार्टी हित में काम करता रहा हूँ। मुरादाबाद के मेयर माननीय विनोद अग्रवाल जी के चुनाव रहा हो, उनसे पूर्व आदरणीय हमारी स्वर्गीय श्रीमती बीना अग्रवाल जी का चुनाव रहा हो, या हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी 2009 में मुरादाबाद पश्चिम से उपचुनाव लड़े थे, तब भी हम उनके साथ थे, उनके पोलिंग एजेंट बने, और माननीय रितेश गुप्ता जी जो अब नगर विधायक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हर परिस्थिति में साथ रहते हैं, उनके भी हर चुनाव में हमने पूरे बढ़ चढ़ कर तन मन धन से सहयोग किया है, और बदले में सब ने हमेशा हमें हर चीज़ में हमारा साथ दिया है। जब भी हमने कोई समस्या हुई है तो माननीय नगर विधायक जी, मेयर साहब और मंत्री जी हमेशा साथ रहे हैं। अब जाने अनजाने कुछ गलतफहमी के कारण, कुछ मिथ्या प्रचार के कारण उनके लिए हमसे कुछ हो गया, तो वह सब गलत है। और एक आज ऑडियो भी वायरल हो रही है, जो आवाज़ से मुझे लगा कि शायद नगर विधायक जी की आवाज़ है, लेकिन बाद में जब मेरी अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी से बात हुई तो पता चला कि वो उनसे मिलते जुलते किसी और कार्यकर्ता की आवाज़ थी, जो व्यथित होकर उन्होंने उल्टा सीधा मुझसे बोल दिया। विधायक जी ने भी उस कार्यकर्ता को बहुत डांटा बाद में कि उनने क्यों बात करी, और विधायक जी और मैं और हमारे सभी वैश्य रोमंच के साथी, हम सभी भाई हैं, सब साथ हैं, और आगे भी हम हमेशा विधायक जी का, माननीय रितेश गुप्ता जी के साथ ही चुनाव लड़ाएंगे, जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। मेरा किसी भी जनप्रतिनिधि को भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई कारण नहीं था, कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ कार्यकर्ताओं के मन की व्यथा बाहर आ गई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।